तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एंड आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 रुपए के नोटों के बारे में, जिन पर बना होता है ऐसा 1 रुपए का स्मॉल क्वाइन। क्योंकि दोस्तों 1983 से पहले के नोटों पर ऐसा 1 रुपए का बिग क्वाइन बना होता था। तो दोस्तों आजकल यूट्यूब पर काफी सारी ऐसी वीडियो अपलोड की जा रही है जिनमें ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि वो खरीद रहे हैं ऐसे नोटों को लाखों रुपए में। तो क्या कोई 1 रुपए के ऐसे नोट भी हैं जिनकी कीमत आज लाखों रुपए तक जा चुकी है, और क्या है इन 1 रुपए के स्मॉल कॉइन वाले सभी नोटों की कीमत। इन सभी सवालों के जवाब मैं आज आप लोगों को प्रूफ के साथ देने वाला हूं। तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक जरूर करें, और नए हैं तो उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही दबा दें उस बेल नोटिफिकेशन के बटन को ताकि आप लोग आगे भी हमारी वीडियोस को देख सकें। तो चलिए अब जान लेते इन नोटों की कीमत के बारे में। तो दोस्तों इन 1 रुपए के नोट जिन पर 1 रुपए के स्मॉल कॉइन्स का चित्र बना होता है, ऐसे नोटों को 6 अलग अलग फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर्स के साथ जारी किया गया था, जिनमें थे प्रताप किशन कॉल, एस वेंकट रमनन, गोपी के अरोरा, विमल जलान, एसपी शुक्ला और मोंटेक सिंह आलूवालिया। तो दोस्तों अब बात करें इन 1 रुपए के नोटों की कीमत की, तो यूट्यूब पर सबसे ज्यादा फेक वीडियोस इन नोटों से जुड़ी हुई बनाई जाती हैं, जिनमें इस तरह के 1 रुपए के कॉमन नोटों की कीमत लाखों से लेकर करोड़ों तक में बता दी जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि इस तरह के नोटों की कीमत लाखों में हो ही नहीं सकती। ऐसे भी कुछ रेयर नोट हैं जो लाखों तक में बिक चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले तो उन्हीं के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये जो 1 रुपए का नोट आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नोट 2017 के एक ऑक्शन में बिका था 2,75,000 रुपए की कीमत में। लेकिन दोस्तों इस नोट की जो खास बात है कि ये नोट था एक स्पेसिमेन नोट, और इस नोट का जो सीरियल नंबर था वो था ऑल जीरो। तो इस तरह के नोट दिखते हैं लाखों रुपए में, लेकिन अगर आप लोग अपने कॉमन नोटों को लाखों रुपए में बेचने की कोशिश करेंगे तो वो नोट कभी भी लाखों में नहीं बिक पाएंगे। लेकिन ऐसे कॉमन नोटों में भी कुछ नोट एरर वाले या फिर ऐसे फैंसी सीरियल नंबर वाले मिल जाते हैं, जिनके बदले में आप लोगों को काफी अच्छी कीमत मिल सकती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस तरह के सभी सिग्नेचर वाले नोटों की कीमत के बारे में। तो दोस्तों इस 1 रुपए के स्मॉल कॉइन के साथ जारी किया गया जो सबसे पहला नोट था, उस पर सिग्नेचर थे प्रताप किशन कॉल के, और ऐसे नोट अगर आपके पास है ए और बी प्रीफिक्स के साथ, यानी कि यहाँ पर जो लेटर लिखा हुआ है वो हो ए या बी, तब उसकी कीमत आप लोगों को यूएनसी कंडीशन में मिल सकती है लगभग 40 रुपए तक। लेकिन वही अगर आपके पास है सी से लेके के प्रीफिक्स के नोट, तो उनकी कीमत यूएनसी कंडीशन में सिर्फ आप लोगों को 20 रुपए ही मिल पाएगी। तो अगले नोटों पर सिग्नेचर थे एस वेंकट रमनन के, और इन नोटों की कीमत भी यूएनसी कंडीशन में लगभग 20 से 30 रुपए तक। और इसके बाद आते हैं इस तरह के गोपी अरोरा के सिग्नेचर वाले नोट, तो इन नोटों की कीमत भी है यूएनसी कंडीशन में लगभग 20 रुपए के आसपास। और इसके बाद 1990 में आए थे ऐसे विमल जलान के नोट, और इन नोटों की कीमत भी है लगभग 20 रुपए यूएनसी कंडीशन में। तो अगला जो नोट है वो है एसपी शुक्ला के सिग्नेचर वाला नोट, और ये नोट दूसरे नोटों से थोड़ा कीमती माना जाता है क्योंकि ऐसे नोट काफी कम मात्रा में जारी हुए थे। तो इस तरह के एक यूएनसी कंडीशन के नोट की कीमत आप लोगों को 50 रुपए तक मिल सकती है। और यहाँ पर जो आखिरी नोट है वो है मोंटेक सिंह आलूवालिया के सिग्नेचर वाले नोट, तो इस तरह के 1991 और 1992 के नोट आप लोगों को यूएनसी कंडीशन में सिर्फ 20 रुपए ही दिला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास है 1993 के नोट, तो ऐसे एक नोट की आप लोगों को यूएनसी कंडीशन में कीमत 100 रुपए तक मिल सकती है। वहीं इस तरह का 1994 का नोट भी स्क्वायर कैटेगरी में आता है, और उसके आप लोगों को यूएनसी कंडीशन में मिल सकते हैं लगभग 40 रुपए एक नोट के। और दोस्तों बात करें मेरे पास पड़े हुए इन नोटों की कीमत के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग जो मेरे पास ये 2 बंडल्स देख रहे हैं, इन बंडल्स को मैंने खरीदा है लगभग 1,500-1,500 रुपए में, जिसमें कि ये बंडल है 786 वाला बंडल, और जो दूसरा बंडल आप लोग देख सकते हैं इसमें है सिग्नेचर मोंटेक सिंह आलूवालिया के, और ये है 1991 का बंडल। तो दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें इस तरह के लूज नोटों की कीमत की, तो यहाँ पर मेरे पास लगभग 500 से भी ज्यादा लूज नोट्स पड़े हुए हैं, और इन नोटों को मैंने खरीदा है 5 रुपए पर पीस के हिसाब से, जिसमें कि मुझे मिले हैं हर तरह के सिग्नेचर वाले नोट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने जाना इन 1 रुपए के स्मॉल कॉइन्स वाले नोटों की सही कीमत के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके इन नोटों की सही कीमत के बारे में। और अगर आपके पास भी है इस तरह के कोई रेयर नोट, तो आप लोग उसकी जानकारी मुझे नीचे कमेंट करके भी जरूर दें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो आप लोग उस नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही दबा दें उस बेल नोटिफिकेशन के बटन को, ताकि आप लोगों को ऐसी ही सच्ची जानकारियां आगे भी मिलती रहें। तो हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी लोग खुश रहें, सेफ रहें और सलामत रहें।